दिल्ली में बढ़ रहा है ओमिक्रॉन का खतरा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की थोड़ी देर बाद उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। दिल्ली में अब तक ओमिक्रॉन के 165 केसेस, 24 घंटे में कोरोना के 331 मामले। कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी बुलाई है बैठक, बच्चों के वैक्सीनेशन पर भी चर्चा होगी। महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा एकनाथ गायकवाड़ कोरोना पॉजिटिव पाई गई, फिलहाल हल्के लक्षण। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली कोरोना संक्रमित हैं, सौरभ ने एहतियातन कराया था टेस्ट, जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए भेजा गया था सैंपल। कानपुर मेट्रो का कुछ ही देर में उद्घाटन, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे शुभारंभ। आज आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। यूपी में बीजेपी की मुहिम को और मजबूती देंगे गृहमंत्री अमित शाह, दोपहर में भदोही में चुनावी रैली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी चुनावी सभाओं में भरेंगे हुंकार, हापुड़ और बदायूं में रैली। अखिलेश यादव भी उन्नाव में करेंगे विजय रथ की सवारी, ताबड़तोड़ 4 रैलियों में पार्टी के लिए मांगेंगे वोट। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन के बीच सीटों के बंटवारे पर हुई है बात, पीएम मोदी 5 जनवरी को करेंगे चुनावी मुहिम का आगाज। पंजाब चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 15 और उम्मीदवारों की लिस्ट। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस, सोनिया गांधी ने दिल्ली स्थित पार्टी दफ्तर में फहराया झंडा, देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। लखनऊ में देखा कांग्रेस की पिंक ब्रिगेड का दमखम, लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन का आयोजन। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। फिर विवादों में घिरे यूपी में लोनी के बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर, मुर्गा मीट की दुकानों को जबरन कराया बंद। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस की सख्ती, दर्ज हुई FIR। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का अस्पतालों में दिखा असर, मरीज हुए परेशान। मुक्तसर में गुरुद्वारा साहिब में बेअदबी का मामला आया सामने, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फतेहपुर शेखावटी में नगर पालिका की बैठक में बवाल, कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों में कहा सुनी। लुधियाना ब्लास्ट मामले में सिख फौज जस्टिस से जुड़े एक आतंकी को जर्मन पुलिस ने हिरासत में लिया, पाकिस्तान के जरिए आईडी भेजने का आरोप। हाजीपुर में एक टेंट हाउस के बक्से में मिली शराब की खेप, पुलिस ने दबोचा। नोएडा में कार में लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा, 5 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में 6 दिन बाद पकड़ा गया रिहायशी इलाकों में घुसा रॉयल बंगाल टाइगर। भारतीय रेल की अनूठी पहल, मुरादाबाद में क्विक वाटर सिस्टम की शुरुआत हुई, महज 6 मिनट में सभी बोगियों में भरेगा पानी।